वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिजली दर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय मुफ्त बिजली का वादा किया था और अपने घोषणा पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी, जिस पर योगी सरकार ने और पूरे मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 18 से 23% तक बिजली के दाम में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। वहीं घरेलू उपभोक्ता सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 23% तक बढ़ाने की मांग है। और वहीं कई मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ संवाददाता से खास बातचीत की, तो आइए आपको उस बातें क्या कुछ कहा। सरकार वार्ता की शुरुआत देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के बयान से ही करूंगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेज ने, उनके घोषणा पत्र ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, और 2-4 महीने का वादा नहीं था, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये कहा गया था 5 सालों तक। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और 5 साल तक मुफ्त बिजली पाइए किसानों से, ये वादा किया गया। 2022 के चुनाव में बिजली महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मेरे साथ हैं। संजय जी, यूपी में बिजली फिर बढ़ने जा रही है। देखिए, ये बीजेपी का घोषणा पत्र है जिसमें पहले नंबर पर लिखा है बिजली का दाम किसानों के लिए मुफ्त किया जाएगा, और 1-2 महीने के लिए, पूरे 5 साल के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये योगी जी का और मोदी जी का घोषणा पत्र कह रहा है। अभी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम 23% घरेलू बिजली बढ़ाएंगे, 12% किसानों की बिजली बढ़ाएंगे, 17% गरीबी रेखा के नीचे वालों की बिजली बढ़ाएंगे। इसमें और बड़ा मुद्दा है कि 25,133 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला गया। तो हम कह रहे हैं कि भाई, जब तुमने ज्यादा वसूला है तो बिजली के दाम कम करो, हमारा पैसा वापस करो। आप कह रहे हो हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे। इसी को लेकर 23 तारीख को लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, 27 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन होगा, और 1 फरवरी से दाम घटाओ का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। विपक्षी एकता को लेकर मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के CR अखिलेश यादव ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें भी विपक्ष के साथ जाने के संकेत दिए। आम आदमी पार्टी का देखिए, आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव हासिल किया है, इस देश के जनता के आशीर्वाद से, स्नेह से, वोट से, प्रेम से। और हम चुनाव दर चुनाव अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी संजय सिंह इनका सिंह साफ तौर पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी कैमरा पर्सन के साथ एमके।